हेलो, तो मैं भी जा रही थी नहाने, अभी 12:30 बज चुके हैं तो नहाने जा रही थी, तो सोचा नहाने से पहले ये जो ब्लॉग है उसको मैं एंड करके जाऊँ, इसलिए मैं आ गई आपसे थोड़ी देर बात करने। और ये श्रीजीत जो है ड्रम्स बजा रहे हैं, देखिए ये ड्रम्स बहुत ही पुराना है, आज से करीबन 2-3 साल पुरानी है, सारे मेरे 2-3 साल पुराने वाले चीजें के बारे में बात कर रही हूँ आज। तो ये जो ड्रम्स है बाबू, ये जो ड्रम्स है 2-3 साल पुराने की है, और ये तो पहले 2 दिन उसने खेला, उसके बाद उसका इंटरेस्ट चला गया तो मैंने उसके उठा के रख दिया। ये चाकू दिखा रहा है, इंटरेस्ट चला गया तो मैंने उसको उठा के पैकिंग करके रख दिया। अचानक से उसको याद आ गई इस चीज की, तो बोलने लगा मामा वो निकाल के दो, तो अभी निकाल के दो, निकाल के अभी चाहिए, तो मैंने उसको निकाल के दिया। तो अब इसके साथ खेल रहा है, यहाँ पे चल रही है टीवी कार्टून एज यूजुअल। तो मैं जरा उस घर में जाके थोड़ी बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। ओके सो गाइस, तो मैं अपनी इस फेवरेट जगह पे बैठ चुकी हूँ, क्योंकि पता नहीं आज लाइटिंग की बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं जहाँ भी बैठी हूँ बहुत ही डार्क आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा बहुत ठीक आ रहा है, शायद मोबाइल के सेटिंग्स पे कुछ प्रॉब्लम है, मैंने चेक किया पर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो बात हो रही थी मेरी तबीयत खराब की, तो था वेडनेसडे को मैंने लास्ट ब्लॉग किया था, उस तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा हेडेक हो रहा है। ये हेडेक बाद में जाके इतना सीवियर हो गया कि मैं कुछ 2 दिनों से मैं कुछ नहीं कर पाई, बहुत 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 ज़्यादा हेडेक हो रहा था। मैं दवाई पे दवाई ले जा रही थी, घर वाले भी वरीड थे कि क्यों इतना हेडेक मुझे हो रहा है, पता नहीं। मैं स्पेक्स भी पहन रही हूँ और डॉक्टर ने कहा स्पेक्स पहन लो तो हेडेक ज्यादा नहीं होगा। स्पेक्स पहन रही हूँ लेकिन हमेशा स्पेक्स रखना पॉसिबल नहीं होता, स्पेक्स पहन के कुकिंग, स्पेक्स पहन के ईटिंग हमेशा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत दर्द होता है हमेशा स्पेक्स पहनने से। एनीवेज, तो ये हो रहा था पता नहीं इतना मतलब, और जब मैं थोड़ा बहुत टेंशन लेती हूँ तो ऐसा हो जाता है, और टेंशन तो हम मतलब क्या बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग के एक पार्ट्स ऑफ द लाइफ होता है टेंशन। जितना भी सब बोलते हैं टेंशन मत लो, पर थोड़ा बहुत चीजों से टेंशन आ ही जाता है, और इसमें कोई मतलब कुछ नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस। ये जो माइंड है ना, इस माइंड से ऊपर हम नहीं जा सकते, इस माइंड के रेस में, माइंड इतना रेस से भागता है उसके साथ हम नहीं भाग सकते। इसकी सोच अच्छा हमेशा ही कुछ और ही दुनिया में चलती है, तो मैं जितना सोचती हूँ कि मैं टेंशन से थोड़ा दूर रहूं, लेकिन मुझसे नहीं होता है, क्या कर सकते। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ हमेशा खुद को मतलब पैम्पर करती रहती हूँ, नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मुझे टेंशन नहीं लेना है, मुझे नहीं लेना है, आई एम ऑलवेज गुड, आई एम ऑलवेज फन, आई एम पॉजिटिविटी में रहो, हमेशा पॉजिटिविटी में रहो, टेंशन मतलब, पर हो जाता है थोड़ा बहुत टेंशन हो जाता है। तो टेंशन थोड़ी इस बात की थी, मतलब मैं हमेशा बाहर की चीजों को लेकर ज्यादा टेंशन करती हूँ। मैं परसों गई थी बैंक में, थोड़ा मुझे काम था तो मैं बैंक में गई थी, वहां पे एक आंटी आके मेरे पास बैठी और वो थोड़ी मूड ऑफ था, तो अचानक से मुझसे बात करने लगी, बोलने लगी आज के यंगस्टर्स को क्या हो गया। तो मैंने कहा हाँ आंटी क्या हुआ, आपने मुझसे कुछ कहा, मैं तब कुछ फॉर्म फिलअप कर रही थी, मेरा कुछ ऑफिशियल काम था बैंक का, तो मैं वहां पे कुछ फॉर्म फिलअप कर रही थी। तो आंटी ने कहा हाँ मेरी बेटी जो है वो अभी कॉलेज में है, उसकी जो फ्रेंड है उसने कल क्या किया, सुसाइड कर लिया। तो आई एम शॉक्ड, व्हाट क्यों, तो पता नहीं कुछ मतलब रीजन पता नहीं चला। तो मैं ये सोचती हूँ कि आज के यंगस्टर्स को हुआ क्या है, मतलब हम लोग भी इस दौर से निकले, लेकिन ये सब चीजें माइंड में हम लोगों ने कभी आया ही नहीं, मतलब आज कल की जनरेशन क्या है, मोबाइल खराब हो गया सुसाइड कर दो, मम्मी ने मोबाइल देने से मना कर दिया सुसाइड कर लो, मम्मी ने थोड़ा डांट दिया सुसाइड कर लो, मतलब कुछ नहीं सुसाइड कर लो, कुछ मतलब कुछ पता नहीं, आज मरने से आगे नहीं जाते। अरे यार मरना ही सलूशन नहीं होता, सुसाइड करना, खुद को खत्म करना ही कोई सलूशन नहीं है, दैट्स नॉट द सलूशन, दैट्स नॉट द ट्रू पाथ। ये यंगस्टर समझते नहीं है, पता नहीं हम में तो ये माइंड कभी आया ही नहीं है, हम इतने भी पुराने नहीं है, 10 साल पुराने होंगे, हम लोग 10 साल पुराने, हम लोगों ने कॉलेज पास आउट किया है, मैंने 2010 में कॉलेज पास आउट किया है, लेकिन ये सब मेरे माइंड में कभी आया ही नहीं है, सुसाइड वगैरह तो नो चांस। ने मुझे डांट दिया तो मैं उसको पॉजिटिव वे में ही लेती हूँ, मैं थोड़ी देर थोड़ा मन खराब रहता था, पहले की बात कर रही हूँ, उसके बाद आई मौके, अरे मम्मी है डांटेंगी प्यार भी करेंगी, इसमें क्या है, क्या बड़ी बात है। तो यंगस्टर्स प्लीज वेक अप, डोंट डू दिस थिंग्स, प्लीज थोड़ा लाइफ में लाइफ को थोड़ा सीरियसली लीजिए, ये से छोटे छोटे मोबाइल नहीं दिया तो सुसाइड कर लिए तो कोई मतलब बात ही नहीं है,
तो बस ये बात को मैं सोच रही थी, आके मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया कि ऐसा आजकल हो क्या रहा है। बोले पता नहीं आजकल के यंगस्टर्स बहुत ही इम्पेशेंस हो चुके हैं, इम्पेशेंस, उनको कुछ नहीं है, उनको सिर्फ यही चीज सोचती है। सारे नहीं बोलती है, कुछ कुछ यंगस्टर जो बहुत ही इमेच्योर होते, थोड़ा अगर मम्मी ने डांट भी दिया तो व्हाट दस, वो प्यार भी करती है। अगर हम लोगों को पहले हम लोगों को कुछ हानि पहुंचाने से पहले उनके बारे में भी सोचना था कि इन लोगों ने हम लोगों को कितने प्यार से उन लोगों ने हम लोगों को बड़ा किया है। गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, सुसाइड कर लो। गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, सुसाइड कर लो। गर्लफ्रेंड मेरे साथ डेट भी नहीं की तो मर जाओ, आप तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा। जो लोग जो सफर कौन करेगा, जिनको आप पीछे छोड़ के जाएंगे, जिनको पीछे छोड़ के जाएंगे वो सफर करते हैं आपके। और दुख सबसे ज्यादा मम्मा और पापा को ही होता है। आप जिसके लिए मरेंगे ना वो उसको दुख नहीं होगा। दो दिन आपके लिए थोड़ा बहुत इमोशंस मतलब फीलिंग करेगा, थर्ड डे ही वो अपने लाइफ में मतलब अपने लाइफ में वो निकल जाएगा, पाएगा थोड़ा बहुत इमोशनल अपने पेरेंट्स के साथ बातें करेगा, हाँ यार उसने ऐसा कर लिया, ऐसा वैसा करेगा, थर्ड डे ही वो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। तो कोई किसी के लिए नहीं सोचता, लेकिन जिसको सफर होता है वो होता है मॉम एंड डैड, यही उनको ही सफर होता है, उनको ही बुरा लगता है। सारी जिंदगी उनकी जिंदगी में एक दुख एक धब्बा बैठ जाता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ने ऐसा कुछ किया था, हम लोग उसको खो गए, उनका जो खालीपन है वो कोई नहीं भर सकता। तो मैं कोई मतलब कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं किसी को एडवाइस नहीं देती। बस एक चीज मुझे बुरी लगी तो मैं इसको लेके मैं थोड़ा बहुत बात किया कि ये सब चीजें होना बहुत ज्यादा हो रहे, बहुत मेरे लोकेलिटी में मैंने देखा तो सबके लोकेलिटी में ही हो रहा है। डांस की क्लास में गए मेरी बेटी मेरी बहन के साथ, एक लड़की डांस क्लास में डांस सीख रही थी, उस लड़की को सर ने डांटा, उसकी मम्मी ने थोड़ा डांटा, आई थिंक उसकी मम्मी ने थोड़ा डांट दिया क्योंकि उसने डांस ठीक से नहीं किया था। नेक्स्ट डे हमने सुनते कि उसने सुसाइड कर लिया। मतलब क्या ये सब क्या हो रहा है, अरे यार मम्मी ने डांटा तो मैं बेटर करने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों में वही जिद था, अगर मम्मी ने अगर पढ़ाई के लिए डांटा कि ये पढ़ाई मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, सर ने अगर मुझे बोला कि ये पढ़ाई तुमने कंप्लीट नहीं किया, मैं नेक्स्ट डे उसको बेटर करने की कोशिश करती हूँ। और ये जिद मुझ पर हमेशा रहती है, मुझ में रहती है। मेरा ये ब्लॉग अच्छा नहीं हुआ, नहीं चला, मैं कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग में और अच्छा देने की। हाँ पता है उस ब्लॉग में और भी व्यूज कम आते, लेकिन मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। आएंगे एक ना एक दिन मुझे सक्सेस मिलेगा, आई नो दैट मुझे सक्सेस मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत बातें कर ली मैंने, अभी मुझे जाना है नहाने। तो ये थोड़ी सी चीजें मुझे थोड़ा मतलब खराब लगता है ये सब, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया। मुझे ज्ञान देना नहीं आता, मुझे ज्यादा ये सब बारे में ज्ञान नहीं देती, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, बस थोड़ा बुरा लगता है इन सब चीजों को। मतलब यंगस्टर इतने इमेच्योर हो गए आज के यंगस्टर्स, ये देख के मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगती है। तो मैं ये बोल दे रही हूँ, मैं बोल रही थी ये सब, बस थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर करना था कुछ कुछ चीजें। तो ये सब टेंशन में कर रही थी तो मेरा हेडेक थोड़ा बढ़ गया, हेडेक को लेके बात शुरू हुई थी। तो बस मतलब वो हेडेक का रीजन नहीं था, हेडेक मेरा था पर और ज्यादा बढ़ गया ये सब सुन के कि ऐसा हो क्या रहा है। और हेडेक तो मेरी जिंदगी का एक पार्ट ही है, वो मुझे होता ही रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है मुझे। तो अभी मैं इस ब्लॉग को खत्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और थोड़ा बहुत शेयर कर लिया था तो कर लिया, तो अभी मैं रखती हूँ, बाय बाय। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक और धमाकेदार ब्लॉग में। प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा बोलती नहीं हूँ लेकिन कभी कभी बोल भी देती हूँ, खुद का एडवर्टाइजमेंट भी करना जरूरी है यार, हाँ 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 सब करते हैं। ओके तो बाय।